Rub your palms and place it on your closed eyes. Complete darkness is there. In this darkness, you open your eyes. Give a light massage to your eyeballs. Let the light in very slowly. एक कोई विद्या करके थी, हरे कृष्ण, बहुत से लोग नहीं आए, तीन चार लोग नहीं आए। मंत्री जी नहीं आई, विद्या बहन भी नहीं आई। केतन भाई क्या हुआ? फोन करो उसको। हाँ फोन करो। Yes, sir. Why are you not joining? Join. Sir, I'm out. I won't be able to because there is no proper network. Achha, okay. Chalo. Vidya Ben ka kya hai? और कौन नहीं आया? डॉक्टर शिखा यू आर देयर ना? रुखसार नहीं आई। हेलो। अरे ज्वाइन करो। हाँ सर। हाँ ज्वाइन करो फटाफट। हाँ सर। हाँ। ओके थैंक यू। सवा छह से था आज, फर्स्ट डे है, लोगों को गड़बड़ी हो रही है। चाहिए रामाराव, वेंकटेश आपके मित्र हैं, रामाराव टेंटू, रामाराव वेंकटेश। हेलो। हाँ टेंटू रामाराव आपके मित्र हैं, वो आज शायद नहीं आएंगे ना, आज वो कहीं बाहर गए, आज कहीं बाहर गए वो। चलो ठीक है सर, सो वी विल स्टार्ट। तो सब लोग पहले कैमरा ऑन कर लीजिए जो लोग कर सकते हैं। अच्छा आप में से कोई ऐसा है जिसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का नाम ना सुना हो? संदीप जी? मैंने नहीं सुना सर। आपने नहीं सुना? डॉक्टर सुमन? यस सर। अच्छा और संदीप आपने सुना है? जी सर मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। अच्छा सुना तो है ना? जी। अच्छा और रुखसार? काय के बारे में सर? हाँ काय के बारे में? एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हीसल के बारे में। हाँ पता है, मालूम है, थोड़ा सुना है। चलो ठीक है तो बताइए रुखसार जी, आप बताइए एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल है ना हमारे सेल्स
और डी जनरेशन के सेल जो होते हैं उसके वो और बहुत कुछ ऐसे इसमें के चे सारे उसके ऊपर ही है पूरा जॉइंट्स और बोन मैरो और इसके जो जनरेशन होता कभी उसमें कुछ भी प्रॉब्लम जो होते जिसके ब्लड सेल्स नहीं बढ़ रहे और जॉइंट्स में ज्यादा पेन रहते हड्डी वो होती रूमेटाइड आर्थराइटिस में कैसे टेढ़े होते वो उन सेल के ऊपर कुछ काम है इतना मेरे को डीप याद नहीं अभी लेकिन अभी, मैंने एक बार किया था। अभी ध्यान से सुनो है ना ठीक है अच्छा राजकुमारी हाँ म्यूट कर लो रुक सर हाँ राजकुमारी जी आप बताइए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशन क्या है ज्यादा नहीं मालूम हाँ थोड़ा क्या मालूम है थोड़ा बोले तो इमरजेंसी केसेस में ये पॉइंट्स करे तो भी ठीक हो जाता है केतन भाई आपने सुना है हाँ सर मैं थोड़ा यूज करता हूँ इसको अच्छा क्या चीज है आपने बताया था यूनिवर्सिटी में कि मेरिडियन में जो एनर्जी बहती है वो नदियों के समान रहती है और यूओवी में जो एनर्जी बहती है वो समुद्र के जैसी रहती है और यूओवी से मेरिडियन में एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं ऐसा कुछ बताया था चलो अब बहुत अच्छा है मोर ऑर लेस सब लोग फ्रेश हो मोर ऑर लेस किसी को कुछ मालूम नहीं मंत्री जी आ गई हैं व्हाई आर यू सो लेट मंत्री जी आप आज बहुत लेट आ गए क्या दूसरा क्लास चालू था ओ अच्छा 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 चलो ठीक है कोई बात नहीं तो आजकल आप पढ़ाई तेजी से कर रही हैं आपने नाम सुना है एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स का एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल क्या होता है वो आपने पीसी पेरिकार्डियम क्या मालूम नहीं है सर वेसल्स के बारे में नहीं सुना आपने रेन के बारे में सुना है कि नहीं रेन डूमो वही है ना वेसल ही है ये सब नहीं सुना तो सुना होगा नहीं सुना पीसीएम में तो बहुत यूज होता है रेन और डू गवर्निंग वेसल और कॉन्सेप्शन फिर और डीयू फोर मालूम है ना मुझे हाँ फिर डॉक्टर सुमन आपने सुना है गवर्निंग वेसल कॉन्सेप्शन वेसल ये सब कुछ नहीं रेन मेरिडियन डीयू मेरिडियन पता है सर ये वेसल्स है एक्चुअली मेरिडियंस नहीं है देयर इज अ डिफरेंस वेसल और मेरिडियन दोनों में डिफरेंस है कहा तो ड्यू मेरिडियन ही कहता है या रेन मेरिडियन मेरिडियन कहते हैं वंडर मेरिडियंस भी नाम है इनका नाम है स्ट्रेंज कंड्यूट्स भी नाम है इसका बहुत से नाम है इसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल नाम है कुछ लोग मिस्टीरियस वेसल्स बोलते हैं मिस्टीरियस वेसल स्ट्रेंज कंड्यूट्स कई नाम है इसके चलिए आइए हम आपको बताते हैं आप सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म का नाम है ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म जहां नहीं मालूम होगा वहां आपको पूछना है ठीक है जहां नहीं मालूम होगा वहां आप पूछ सकते हैं ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म होता है ये ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म का क्या काम है इसका दो काम है क्या सबको मालूम है कौन बताएगा ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म का क्या काम है कौन बताएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी इतना करने के बाद यही बताओगे डॉक्टर सुमन दो काम है पहला काम क्या है टू जेनरेट एवरी वेराइटी ऑफ ची कितने प्रकार की ची हम लोगों को जरूरत है हमारा बॉडी एंड माइंड दोनों ढंग से काम करे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑफ माइंड के लिए सैकड़ों प्रकार की ची की जरूरत है हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज बहुत सी प्रकार की चीज चाहिए ये सारे प्रकार की चीज बनाना
और बना करके उसको सही जगह पे भेजना, पहुंचाना, ये दोनों काम किसका है? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म का काम है। ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म कहां है? हमारे शरीर में, हमारे ट्रंक में। कैसा है ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म? ये तो सबको इमेज याद होगी, ये इमेज याद है सबको? यस सर। संदीप आप देखिए जरा ध्यान से, संदीप शायद पहली बार आए हैं, बाकी सब लोग अपने पुराने हैं। जी सर। ओके संदीप जी आप ध्यान से देखिए, यही है, देखिए ये पांच ऑर्गन कौन कौन से? लंग्स, किडनी, लिवर, हार्ट, स्प्लीन, ये पांच जो सॉलिड ऑर्गन है जिनको जैंग कहते हैं या यिन ऑर्गन कहते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है सारे प्रकार की फंक्शनल सी बनाने के लिए। ठीक है, संदीप जी अनम्यूट करिए और बात करिए। जी सर। मेरा इको आ रहा है। इको हो रहा है, कोई बात नहीं। तो 10 ऑर्गन है। ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके 10 ऑर्गन है, और जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनरेशन ऑफ एवरी वैरायटी ऑफ ची, हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ ची, सैकड़ों प्रकार की ची कौन बनाता है? सॉलिड ऑर्गन्स बनाते हैं। और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना माने इनको जहां पर जिस प्रकार की ची चाहिए उस प्रकार की ची सही समय पर सही मात्रा में पहुंचाने का काम ये 10 के 10 ऑर्गन के जो चैनल्स हैं उसके माध्यम से होता है। तो ये मैकेनिज्म वो भी करती है। इस मैकेनिज्म में सबसे स्पेशल जो ऑर्गन है वो कौन सा ऑर्गन है केतन भाई? हाँ डॉक्टर शिखा, यस सुमन, सबसे स्पेशल कौन सा ऑर्गन है? किडनी है सर। क्यों स्पेशल है? अभी खाली सुमन जी बोलेंगे, व्हाई इट इज स्पेशल सर? क्योंकि सबसे पहले जो ओरिजिनल चीज बनाती है वो किडनी बनाती है सर, और फिर उसको वापस जो है लंग्स को देती है, और फिर लंग्स वापस किडनी को देके फिर ये जो है रियल चीज बना के सब्जेक्ट आगे किडनी जो है किडनी की चीज बना के लीवर को देती है। इसके मतलब हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है सुमन, इसके मतलब किडनी के पास दो काम हो गए, दो प्रकार की, बाकी ऑर्गन्स तो अपने प्रकार की ची फंक्शनल ची बनाएंगी, नहीं मदर से थोड़ी ची लेंगी, थोड़ी किडनी से ची लेंगी और अपने प्रकार की ची बनाएंगी, लेकिन किडनी के पास दो काम है, एक एक्स्ट्रा काम है। क्या एक्स्ट्रा काम है? काम है कि एसेंस को ट्रांसफॉर्म करना ओरिजिनल ची में। किडनी के पास दो ची है, किडनी के पास दो काम है, एसेंस को ओरिजिनल ची में बदलना, एसेंस को ओरिजिनल ची में बदलना और अपने प्रकार की ची बनाना। इसकी मदर कौन है? किडनी की मदर कौन है? लंग्स। लंग्स है, लंग्स से ची लेती है और अपने प्रकार की किडनी ची पैदा करती है, किडनी के प्रकार की ची पैदा करेगी, बहुत से प्रकार की ची पैदा करती है, उसको पांच कैटेगरीज में बांट देते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। अब सवाल यह है कि जो हम लोग जो काम करते हैं, रुखसार जी आप ध्यान से सुनिए नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपने जितनी बात बताई, जो भी हमारे शरीर में काम होता हो या हमारे मन बुद्धि में काम होता हो, वो सारा का सारा काम किस चीज से होता है? जो चीज हमारे शरीर में चैनल्स में या मेरिडियंस में उपलब्ध है। हेलो ध्यान से सुनिए,
बहुत ध्यान से सुनिए। एक मिनट मैं आ रहा हूं। रतन भाई, हाँ जी, पास ईओएस की कोई बुक है क्या? नहीं, ईओवी की कोई बुक नहीं थी, लेकिन डीसीएम अलाहाबाद से एक बुक्स में थोड़ा कुछ लिखा है उसमें। कौन सी बुक में? नंबर ट्रीटाइज 16 में था मेरे ख्याल से। 16 मैं देख के बताऊंगा आपको, मैसेज कर दूंगा। ईओवी के लिए पूछ रहे हो क्या केतन? नहीं, वो डॉक्टर सुमन ने बात। हाँ, ईओवी जो है इलाहाबाद की जो बुक्स है, ट्रिटाइज 6 है। 6 में? हाँ, 6 में। अभी आप हमसे सुनेंगे, अभी अभी आप जो मैं बोल रहा हूँ वही सुनिए, नहीं तो क्या होगा कि जितना जानते हैं वैसे ही जानते रहेंगे आप। हाँ, वो हम सुन लीजिए, फिर उसको पढ़िए, फिर कोरिलेट करिए, है ना? एक्स्ट्रा नॉलेज होना अच्छी बात है। बहुत सी किताबें हैं, कई किताबें हैं। स्टीफन एंड बर्ज की किताब है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल की अच्छी किताब वही है। सर, ईओवी माइक्रोसेल पे काम करता है ना? किसने कहा आपसे ये सब? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अभी बताऊंगा मैं क्या करता है, धैर्य रखिए। तो मैंने क्या कहा कि ये जो ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म है उसमें किडनी स्पेशल ऑर्गन है, नहीं? राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसके दो फंक्शंस हैं, एक अपने प्रकार की तमाम ची बनाना, अलग अलग प्रकार की, बहुत से प्रकार की किडनी ची कहते हैं उसको, वो भी कई प्रकार की होती है, और उसको 5 कैटेगरीज में हम लोग बांटते हैं, वुड वैरायटी, फायर वैरायटी, अर्थ वैरायटी, मेटल वैरायटी एंड वाटर वैरायटी। ये सब बनाते हैं। और एक और काम उसका स्पेशल है जो दूसरे ऑर्गन नहीं करते। कौन सा स्पेशल काम है? कि एसेंस को ओरिजिनल ची में ट्रांसफॉर्म करता है किडनी। ये एक्स्ट्रा काम है। अब देखो, हमारे शरीर का जो भी काम हो, चाहे वो सेल का काम हो, चाहे वो टिश्यू का काम हो, नहीं, चाहे वो कुछ जिसका भी काम हो, टिश्यूज का काम हो, सेल का काम हो, जिसका भी काम हो, वो काम कैसे होता है? शरीर और मन बुद्धि कैसे काम करती है? जो ची हमारे मेरिडियंस में है उससे काम करती है। रुखसार, मैंने जो कहा है ध्यान से सुन लो और नोट करो, है ना? ठीक है, तो ये रोल क्या है एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का, ये हम लोग देखेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल है क्या, ये देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, देखो, देखिए, एक ये है, राइट, और तमाम मेरिडियंस हैं हमारी बॉडी में। कितने मेरिडियंस हैं हमारे शरीर में? कितने मेरिडियन है रुखसार जी? 12 मेरिडियन है, प्लस रेन और ड्यू। रेन और ड्यू तो वेसल है, वेसल है, 12 मेरिडियन, तो 12 मेरिडियन है। ठीक है, 12 मेरिडियन राइट और 12 मेरिडियन लेफ्ट,
उसके अलावा भी बहुत से मेरिडियन है, लेकिन ये टोटल कितने मेरिडियन है कोई जानता है? चाइनीज मेरिडियन कितने हैं? नो सर। देयर आर सेवेंटी वन जिनके पास जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ची है, ये 71 के 71 मेरिडियंस के बारे में लिखा हुआ है, पढ़िए। तो अब क्या है कि ये मेरिडियंस जो है, इन मेरिडियंस में ची कहां से आती है? लीवर हार्ट स्प्लीन लंग्स और किडनी, ठीक है ना? इनमें ची कहां से आती है इन मेरिडियंस में? कौन बताएगा? अपने अपने ऑर्गन से आती है। लीवर मेरिडियन में लीवर ऑर्गन से, हार्ट मेरिडियन में हार्ट ऑर्गन से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, यांग ऑर्गन, उनकी मेरिडियन में भी ची कहां से आती है? उनके ऑर्गन से, ठीक है। और ये सारी यूज होती है, जितनी भी एनाटॉमी की काम है, जितने भी फिजिकल काम हो या मेंटल काम हो, सारे काम बिना ची के नहीं हो सकता कोई काम हमारे शरीर और मन बुद्धि का। और वो सारा काम जो ची प्रोवाइड होती है किससे? मेरिडियन के माध्यम से जो ची प्रोवाइड होती है उसी से काम होता है। लेकिन हमने ये सवाल किया था कि आपकी ये जो मेरिडियंस में जो ची ऑर्गन से आ रही है, क्या जितनी ची बनती है ऑर्गन्स में, जितनी ची ऑर्गन, हर ऑर्गन, लिवर भी बनाता है, हार्ट भी बनाती है, लिवर जितनी ची बनाती है, क्या हम रोज के रोज उतना ची खर्च कर लेते हैं? कितनी ची लिवर बनाती है, हार्ट कितनी बनाती है? ये सवाल जब हमने आपको पूछा था और एक्सप्लेन किया था, तो आपको याद होगा कि जो एक्स्ट्रा ची रह जाता है, जो यूज नहीं होता है, वो हमेशा लगातार कहां इकट्ठा होता रहता है? वो सारा ची पूल होता रहता है। हाँ, यिन मेरिडियन का ची कहां आता है? पेरिकार्डियम एंड यांग का टेपल वाल। हाँ, ये पेरिकार्डियम में जाता है। और यांग मेरिडियन भी पांच है, पांच यांग मेरिडियन भी हैं कि नहीं? Yes. तो पांच जो यांग मेरिडियन है, पांच यिन मेरिडियन है और पांच यांग मेरिडियन है। और ये पांच मेरिडियंस में, यांग मेरिडियन में जो जाता है, वो भी उसके बाद वो भी खर्च होता है। कहाँ खर्च होता है? हमारे शरीर और मन मस्तिष्क में खर्च होता है। तो ये जो पूरी जो यांग ऑर्गन्स से जुड़ी हुई है, ये मेरिडियंस हॉलो ऑर्गन्स से जुड़ी हुई है, और जो इसमें जो चीज रह जाती है, जो यूज नहीं हो पाती, वो कहाँ जाती है? तो पांच तो आपको दो मेरिडियन यहां मिल गए। कौन कौन से? एक मिल गया ट्रिपल वार्मर या सेंजियो, और दूसरा कौन सा है?
पेरिकार्डियम, ये याद है कि नहीं सबको? ये याद है ना? ठीक है, तो अब हमारे पास ये पांच मेरिडियन, ये पांच मेरिडियन कितने हो गए? 10। और दो मेरिडियन पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर हो गए, कितने मेरिडियन हो गए? 12 हो गए कि नहीं हो गया? हेलो रुखसार, समझ में आ रही है तुम्हारी? चाहे वो सेल का काम हो, चाहे बोन का काम हो, चाहे बोन मैरो का काम हो, किससे होता है? ची से होता है। वेसल का और मेरिडियन का नाम किससे काम होता है? सारा काम ची से होता है। और ची जो हमारे बॉडी माइंड को मिलती है वो कहां से मिलती है? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म से मिलती है। जितने भी प्रकार की ची है जरूरत, वो कौन बनाता है? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म बनाता है। ये ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म का काम है कि सैकड़ों प्रकार की ची को बनाए और बना करके जहां जिस समय जितना जिस प्रकार का ची पहुंचना चाहिए पहुंचावे, ठीक है? और वो कैसे पहुंचाती है? इन मेरिडियंस के माध्यम से। मुख्यतः कितने मेरिडियन है टोटल? 71 मेरिडियन है, और भी वेसल्स भी हैं मसल में, ये जितने भी मेरिडियन है ना, तो वो सब मिलकर के ये काम करती है, बनाती पहुंचाने का काम। ये जो हमारे पास जो ये 10 मेरिडियन ये जो हैं, इनमें जो ची है वो जो बच जाती है, या दूसरे मेरिडियंस में जो इससे जुड़े हुए मेरिडियन और भी हैं, जैसे मसल मेरिडियन है, साइन्यूज मेरिडियन है, नहीं, और लुओ मेरिडियंस हैं, कनेक्टिंग मेरिडियंस हैं, इनसे जो बच जाती है, जो यूज नहीं हो पाती है, वो कहां पूल होती है? पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर में। और ये भी मेरिडियंस में ची फ्लो होती रहती है, ताकि जिस भी मेरिडियन को ची चाहिए, कम हो गई किसी मेरिडियन में, काम ज्यादा है और ची वहां नहीं पहुंच रही है, कौन देगा? ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम दे। पेरिकार्डियम इन मेरिडियंस से कनेक्टेड है और ट्रिपल वार्मर यांग मेरिडियन से कनेक्टेड है, ठीक है? समझ में आ रही बात? ये सारा काम उन्हीं से होता है। अब इन मेरिडियंस में ची कहां से आ रही है? ऑर्गन्स से आ रही है। उन ऑर्गन्स में किडनी स्पेशल ऑर्गन है, और किडनी सारे ऑर्गन्स को ची दे रही है, ये मालूम है कि नहीं? सबको मालूम होना चाहिए, ये बात बताई गई है आपको, किडनी हर ऑर्गन से कनेक्टेड है, यिन ऑर्गन से भी कनेक्टेड है और यांग ऑर्गन से भी कनेक्टेड है। किडनी का जो दूसरा काम है, एसेंस को ओरिजिनल ची में बदलना, नहीं? तो आपके पास एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, डॉक्टर सुमन, ले लिया? यस सर, ले लिया। देखो तो अब आपके पास एक तो मैकेनिज्म हो गई मेरिडियंस की, मैकेनिज्म हो गई, ठीक है? और आपके पास ये मेरिडियन में ऑर्गन्स हैं, तो ऑर्गन्स हैं सारे, लेकिन किडनी एक स्पेशल ऑर्गन है, तो कितनी किडनी है हमारे पास?
हमारे पास दो किडनी है। हम दो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, दे आर नॉट वर्किंग, ये आपस में मिलकर के एक के जैसा काम नहीं करते, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। एक को कहते हैं वाटर किडनी, दूसरे को कहते हैं फायर किडनी। एक यिन चीज ज्यादा बनाती है, दूसरी यांग चीज ज्यादा बनाती है, राइट? और दोनों ही क्या करती, दो काम करती हैं। एक तो किडनी अपने प्रकार की चीज बनाती है जो कि मेरिडियन, किडनी के मेरिडियन में जाती है, ठीक है ना? और किडनी क्या करती है, एसेंस को ओरिजिनल ची में बदल देती है। ये ओरिजिनल ची कहां जाती है? ये जो ओरिजिनल ची है ये कहां जाती है? अपन लंग्स में जाती है, फिर लंग्स से किडनी में आके फिर वो रियल ची बन के आगे निकलती है। नहीं, ये ची लंग्स में तो जाती है, नो डाउट सुमन। ये सारी की सारी, सारी की सारी कहां जाएगी? ये पहले खाने के बाहर जाने का अरे तो, रुखसार बंद करो बाबा। DU4, yes, you are right. देखो, एक ये किडनी है, नहीं? ये कौन सी किडनी हो गई? वाटर। मान लो वाटर किडनी है, ठीक? और एक ये किडनी है, ये कौन सी किडनी हो गई? ये फायर किडनी हो गई। और दोनों मिला करके दोनों किडनी के बीच में कौन क्या है, ये क्या चीज है, इसको क्या कहते हैं? DU4। क्या कहते हैं? मिंगमेन कहते हैं। दूसरा क्या नाम है इसका, कौन बता सकता है? ओरिजिनल की। मिंगमेन या ओरिजिनल ची को ही कहते हैं, ये ओरिजिनल ची। तो राइट किडनी भी बनाती है ओरिजिनल ची और लेफ्ट किडनी भी बनाती है ओरिजिनल ची, और दोनों आकर के मिल जाती हैं इस पॉइंट पर, है ना? यहां पर मिंगमेन या मूविंग ची जिसको कहते हैं, मूविंग ची क्या है, ये मिक्स है किसका, ओरिजिनल ची का। ओरिजिनल ची किसने बनाया? वाटर किडनी ने भी बनाया और फायर किडनी ने भी बनाया। दोनों किडनियों ने मूविंग ची जो ओरिजिनल ची बनाई वो मिक्सअप हो गई। अब ये ओरिजिनल ची जो कि एक बहुत बड़ी रेंज है, बहुत से वेव्स की हैं इसमें, छोटे वाले भी हैं और बड़े वाले भी हैं। छोटे वाले, छोटा वाला ची वेवलेंथ कौन ज्यादा बनाता है, वाटर ची या फायर ची? वाटर ची। वाटर जी, छोटा वेव मतलब यिन, बड़ा वेव का मतलब यांग, ठीक है? और ये जो ओरिजिनल ची है, राइट, ये ओरिजिनल ची ये कैसे बन रही है, किडनी लगातार बना रही है। कैसे बना रही है? क्योंकि इसके पास एसेंस है। एसेंस कहां है मालूम है, कोई बता सकता है? वैसे तो ये जरूरत नहीं हमको बताने की। बोल मेरे। हाँ, बोन में है। बोन मैरो कहां से आ रही है? बोन से आ रही है, बोन मैरो। हाँ, तो बोन किसके अधिक, बोन में है। एसेंस कहां है? बोन में है। बोन और बोन मैरो ये किसके अधिकार क्षेत्र में है? किडनी के अधिकार क्षेत्र में है। इसको ट्रांसफॉर्म करती है ओरिजिनल सी में, दोनों किडनी, ये ओरिजिनल सी यहां मिल जाती है। तो ये क्या है, ऑर्गन्स है।
ये क्या है? मेरिडियंस है। ठीक, ये जो है ये कहां जाती है? ओरिजिनल ची सबसे पहले कहां जाती है? लंग्स में जाती है। उसके बाद कहां जाती है? किडनी के पास रहती है पहले ही। और कहां जाती है? सारे ऑर्गन्स में जाती है। सारे ऑर्गन्स में जाती है। और ऑर्गन से ऑर्गन में और क्या क्या आता है? ऑर्गन में और क्या क्या जाएगा? फ्लूइड जाएगा ना। ऑर्गन्स में क्या आएगा? ये क्या है? ट्रिपल वार्मर। या इसको क्या कहना चाहिए हमें? ऑर्गन भी नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए हमें? एक्चुअली व्हाट वी शुड कॉल इट, ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म। ऑर्गन्स ना कह के क्या कहना चाहिए? बेस्ट इज, वैसे तो ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म मतलब ऑर्गन ही है। ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म। और ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म से ची कहां जाती है? मेरिडियंस में जाती है। और मेरिडियन में जो ची है वो कहां जाती है? बॉडी एंड माइंड में, नहीं? और जो यूटिलाइज हो गई मेरिडियन की ची, खर्च हो गई, वो खर्च हो गई, जो बाकी बच गई वो भी दो मेरिडियंस में रहती। किन मेरिडियंस में? संजीव एंड पेरिकार्डियम, मतलब ट्रिपल वार्मर एंड पेरिकार्डियम। इसके मतलब ये हुआ कि वो भी ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म ही उसका सोर्स है। जो ची आई हर मेरिडियन से, जो बच गया वो बचा हुआ ची पूल हो गया ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम। तो यहां पर कितने मेरिडियन है? 12। लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ है, ठीक है, करेक्ट है। अब सवाल यह है कि वाटर किडनी और फायर किडनी लगातार क्या कर रही हैं? एसेंस ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। कौन कर रहा है ये काम? एसेंस को ओरिजिनल ची में बदलने का काम कौन कर रहा है? दोनों किडनी कर रही है, ठीक है ना। और ये कहां जा रही है? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म में। ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म में और क्या आ रहा है? बॉडी फ्लूइड्स है। एक तो एयर आ रहा है, ठीक है ना, और क्या जा रहा है इसमें? बॉडी फ्लूइड्स, ये फूड, एसेंस ऑफ अर्थ। एसेंस ऑफ अर्थ, फूड क्या है? एसेंस ऑफ अर्थ है। राइट। और ये ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म से सब ची बनती है।
तो ये तीन चीजें ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म में जा रही है, रॉ मटेरियल है। फिनिश प्रोडक्ट क्या है यहाँ? फंक्शनल ची। ये फंक्शनल ची कहाँ जा रही है? आपको हमने दिखाया, अभी फिगर दिखाया किस तरह से, और फंक्शनल ची किस तरह से सर्कुलेट करती है। और हर ऑर्गन ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म का अपना अपना कंट्रीब्यूशन करके तरह तरह की ची बनाता है, और वो सारी ची ऑर्गन से मेरिडियंस के माध्यम से सारे बॉडी और माइंड को जाता है। ची गोज टू बॉडी एंड माइंड। मसल्स में भी यहीं पे जाएगा सर? हाँ जी, सब मसल मेरिडियन अलग से है, प्लस सो मेनी। एक्चुअली टोटल कितनी मेरिडियन है? आप इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है ना लोगों को, इट्स नॉट ओनली 12। कितनी मेरिडियन है टोटल? हमने आपको बताया 71 मेरिडियंस हैं। 71 मेरिडियंस हैं। सारे मेरिडियन को कौन सप्लाई कर रहा है? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म सप्लाई कर रहा है। ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म क्या है? ऑर्गन्स का समूह है। कितने ऑर्गन है इसमें? 10 ऑर्गन्स। कितने ऑर्गन है? 10 ऑर्गन है, उसमें किडनी भी इन्वॉल्व है। ठीक है, समझ में आई बात? अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो ये जो मेरिडियंस है वो ची कहां पहुंचाए? बॉडी माइंड को। और बॉडी माइंड में जो मेरिडियंस ने ची पहुंचाई, जो ची इसमें यूज नहीं हो पा रही है वो पूल हो जाती है। क्या पूल हो जाती है? ट्रिपल वार्मर पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर में। ये 71 में पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर मेरिडियन भी इंक्लूडेड हैं। इसके मतलब हम यहां लिख सकते, क्या लिख सकते हैं? दैट दिस इंक्लूड्स ट्रिपल वार्मर एंड पेरिकार्डियम। इस 71 में ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम, ये दो मेरिडियन भी हैं। ठीक है, हेलो? यस सर। हाँ, तो ये जो जो मेरिडियन में यूज नहीं हुई वो यहां चली आई ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम में। अब मेरा सवाल ये है कि यहां जो एसेंस ट्रांसफॉर्म हो रहा है ओरिजिनल चीज में, मिंगमेन जो बन रहा है, मूविंग चीज इसे कहते हैं हम, ये जो बन रहा है ये बनता चला जा रहा है, और कहां यूटिलाइज हो रहा है? ये कहां यूटिलाइज हो रहा है? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म में यूटिलाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गन को ओरिजिनल चीज चाहिए, हर सॉलिड ऑर्गन को चाहिए, हर ऑर्गन को। तो ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म में यूटिलाइज हो रहा है। ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म की एक कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी। ओरिजिनल चीज कितनी ये यूज करेगी और कितनी यूज नहीं करेगी, ये बात है ना। जितना ये किडनी ने बनाया, ये सारा का सारा ये ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म यूज करेगी क्या? ये सवाल है। तो ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म में तीन रॉ मटेरियल है, एयर, फूड और ओरिजिनल ची। हेलो, तीन है ना? अब हवा आप कितनी ले सकते हैं? आपके बॉडी की कैपेसिटी, हर आदमी के बॉडी में कैपेसिटी है ना, कौन कितनी हवा ले सकता है, कौन कैसे सांस ले रहा है। और सांस का क्रम भी घटता बढ़ता बदलता, इधर का उधर का नहीं चलता है, ये हमने आपको बताया होगा, नहीं तो समझना चाहिए आप। दो नॉस्ट्रिल्स हैं, दोनों नॉस्ट्रिल से सांस आती जाती है, एक नॉस्ट्रिल से पांच प्रकार से सांस आती जाती है। ये हमारा इंडियन भारतीय विज्ञान बताता है। और फूड है,
फूड भी हम कितना ले सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है, हर आदमी इक्वल फूड खा सकता है क्या? नहीं। खाते खाते जब उसका पेट भर जाता है तो अपने आप सिस्टम बोलता अब और नहीं खा सकते। बहुत से आदमी कुछ कम खाते हैं, पूरा नहीं खाते फॉर गुड हेल्थ, पता है कि नहीं? तो फूड हम बंद कर सकते हैं, हवा कितना ले सकते हैं वो भी हमारी कैपेसिटी। इसी प्रकार ये एसेंस हम कितना ले सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं, ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म, ये ओरिजिनल चीज कितना यूज कर सकती है, इसकी भी एक लिमिट है। हेलो, क्योंकि ओरिजिनल चीज कहां यूज हो रही है? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म में। कहां इंस्टॉल्ड है ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म? हमारे ट्रंक में। तो ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म कितना चीज इस्तेमाल कर सकती है, इसकी लिमिट है कि नहीं, होगी कि नहीं? हेलो, ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म के दो काम है, क्या बता सकिए? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म के दो कौन कौन से काम है, लिखिए। का फंक्शन, कौन कौन सा है? नंबर वन, जेनरेट एवरी वैरायटी ऑल काइंड्स ऑफ ची, नहीं, जेनरेट ची ऑफ एवरी वैरायटी, नहीं, और दूसरा ऑफ ची, ये ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म के दो काम है, ठीक है ना? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म के ये दो काम है। तो जेनरेट करने के लिए कितना जेनरेट करेगी, ये कैपेसिटी है कि नहीं? हर इंडिविजुअल में ये यूनिक है कि नहीं है? आपके बॉडी में कितनी ची है, मेरे बॉडी में कितनी ची है, केतन भाई के बॉडी में कितनी ची है, सबके बॉडी में अलग अलग ची है कि एक जैसी है कि या कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड ची है कि अनलिमिटेड ची है? लिमिटेड ची है। ची तीन जगह मिलती है, मैंने बताया है कहां कहां मिलती है ची। ऑर्गन्स में मिलती है, मसल्स में मिलती है, और मेरिडियंस में मिलती है ची। ऑर्गन्स, मसल्स और मेरिडियन, तो सबकी अपनी सीमा है ना, लिमिट है ना? तो हम कितनी चीज जनरेट, और जनरेट करने की भी सीमा है। हर ऑर्गन की अपनी कैपेसिटी है, हर व्यक्ति के ऑर्गन में कितना स्ट्रेंथ है, कितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से वो उतनी चीज जनरेट करेगी। और जनरेट करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें एक रॉ मटेरियल है ओरिजिनल चीज। अर्थात ओरिजिनल चीज कितनी कंज्यूम कर लेगी हर ऑर्गन, वो भी लिमिट है। तो ओरिजिनल ची तो किडनी लगातार बना रहा, क्यों? क्योंकि एसेंस से ओरिजिनल ची बनाने का काम लगातार चल रहा है। जिस प्रकार सांस लगातार चल रही है, उसी प्रकार ये ओरिजिनल ची लगातार आपके शरीर में बन रही है। किस चीज से? एसेंस से। कौन बना रही है? किडनीज बना रही है। आप सो रहे हैं तब भी किडनी बना रही है, दिन रात काम कर रही है किडनी, ताकि ओरिजिनल ची की कमी ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म में ना हो जाए। अब जो अब आपसे सवाल यह है कि जो भी ओरिजिनल ची ये दोनों किडनी मिलकर के लगातार बना रही हैं, क्या वो सबका सब ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म में यूटिलाइज हो जाता है डेली का डेली? नहीं होता, नहीं होता। बात समझ में आई? हेलो, ये बात सबके समझ में आनी चाहिए कि ओरिजिनल ची जितना ये डेली दोनों किडनी मिलके बना रहे हैं, वो सबका सब ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। नहीं, अगर यूटिलाइज नहीं किया जा सकता तो फिर ये जो ची बनेगी वो कहां रहेगी?
वो रहती है ये अलग से एक है बहुत से नाम है लेकिन इसको कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्सेस। देखो ये जो ओरिजिनल सी है ये दो प्रकार की बनाई जाती है, वाटर किडनी यिन प्रकार की बनाती है और फायर किडनी यांग प्रकार की बनाती है। दोनों यहां मिल जाते हैं, ये मिक्स रेंज तैयार हो जाती है। ये सब बातें मैं कई बार बता चुका हूं और बताने की जरूरत नहीं है। जो बच गई बैलेंस, जो मैकेनिज्म में यूज नहीं कर पाई, जो यूज नहीं हुआ वो कहां जाएगी? एक्स्ट्रा वेसल्स। हाँ बहुत अच्छे, वेल सेड। सर किडनी हमेशा जो है ज्यादा बनाती है। हाँ हमारे ऑर्गन्स भी ज्यादा बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? इनकी हमने आपको कई बार बताया, ये आपके हर ऑर्गन में एक सिस्टम ऐसा फिट है कि उसको एक्लेमेटाइज हो जाता है। जैसे है ना किसी को जैसे हाई ब्लड प्रेशर है तो बॉडी अपने आप उसको एकोमोडेट करने का बना लेती है ना। थोड़ा सा हाई हो तो कोई बात नहीं, वो चलता रहता है, मेडिसिन भी नहीं लेना चाहिए एक्चुअली, नहीं? तो जैसे शुगर किसी की हाई हो गई तो अगर किसी की हायर साइड में शुगर रहती है नो प्रॉब्लम। ये सब बनाई हुई बातें हैं। थोड़ा हाई शुगर के साथ में अगर बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाती है और कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, नहीं स्टैग्नेट नहीं हो रहा कुछ, तो यू शुड कैरी ऑन, यू शुड नॉट टेक द मेडिसिन। लेकिन वो यूटिलाइज ना हो रही हो, बन रही हो और कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, देन ओनली मेडिसिन और ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। नहीं तो जरूरी नहीं है ये सबको एक जैसा ही हो। जो इन्होंने स्टैंडर्ड खींच दिया ना कि ये एवरेज इतना होना चाहिए, शुगर इतना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल इतना होना चाहिए, बीपी, नो, इट इज अ वेरी वाइड रेंज एंड इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अलग अलग आदमियों में अलग अलग इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एनीवे उस पर अभी बात नहीं करते। तो अभी क्या है कि ये जो ची है ये ची यांग वैरायटी की भी है और यिन वैरायटी की भी है। ठीक है, समझ में आई?
अब मैंने केवल एक एरो दिखाया है, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है, ये जो मूविंग चीज है चारों जगह जा रही है, इसी प्रकार इन वेसल्स में भी जा रही है। बात समझ में आई? यहां पर जो ची है, मूविंग ची, ये कैसी है? ये एक रेंज है बहुत बड़ी। इसमें बहुत यिन ची भी है और बहुत यांग ची भी है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर या मूविंग ची कैसी है? ये एक बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। मूविंग ची कैसी है? मूविंग ची मूविंग ची की एक बहुत बड़ी रेंज है। तो बहुत यांग भी है, उससे कम यांग है, उससे भी कम यांग है, उससे भी कम यांग है। फिर उससे भी कम यांग है, फिर और यांग कम है, और यिन है, उससे भी ज्यादा यिन है, और उससे भी ज्यादा यिन है। ये जो मूविंग ची है उसमें कितने प्रकार की यिन है? बहुत से प्रकार की यिन है, बहुत से वेवलेंथ हैं, हंड्रेड्स, सैकड़ों वेवलेंथ हैं। उन सारे वेवलेंथ को आठ कैटेगरीज में, इन बॉडी में ये आठ कैटेगरी में इकट्ठे हो जाते हैं, आठ अलग अलग जगह। जैसे सैकड़ों प्रकार की जो फंक्शनल ची बनती है, ट्रू ची, रियल ची, फंक्शनल ची, जो भी आप समझे, वो जो बनती है उसको कितनी कैटेगरीज में हम लोगों ने बांटा है? पांच कैटेगरी में। कौन कौन से? वुड वैरायटी, फायर वैरायटी, अर्थ वैरायटी, मेटल वैरायटी और वाटर वैरायटी। नहीं, कितने सैकड़ों वेवलेंथ हैं, उन सैकड़ों वेवलेंथों को हम लोगों ने कैटेगरी कर दिया। सबसे यांग कहां रहेगा? फायर वैरायटी में रहेगा, फायर वैरायटी बोलते उसको। सबसे यिन कौन सा है? वाटर वैरायटी। नहीं, फंक्शनल ची को पांच वैरायटी में बांटा ना, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। हाँ सर। रुखसार जी। हाँ यस सर। बहुत प्रकार की ची बनती है, बहुत से वेव्स बनते हैं। ची क्या है? वेव्स है, प्रोसेस है। नहीं, और उनको हमने कितनी कैटेगरीज में रखा? पांच कैटेगरी में रखा। वुड वैरायटी, वुड प्रकार की, फायर प्रकार की,
अर्थ प्रकार की, मेटल प्रकार की और वाटर प्रकार की। इसी प्रकार ये जो मिंगमेन है ये भी सैकड़ों प्रकार की बन रही है। एसेंस से जो कन्वर्शन हुआ, जो ची बनी, क्योंकि एसेंस तो मूव करती नहीं, एसेंस जो है वो एज इट इज हमारे लिए यूजफुल नहीं है, यूजफुल हमारे लिए ओरिजिनल ची है। ओरिजिनल ची और एसेंस में क्या अंतर है? एसेंस में मूवमेंट नहीं है, बहुत गाढ़ा है, बहुत लिक्विड है, एक एक ड्रॉप उसका बड़ी मुश्किल से बनता है और उस एक ड्रॉप से बहुत सी ची बन जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है? किडनी करती है। ये एसेंस को बहुत से प्रकार की वेवलेंथ में बनाती है, हर वेवलेंथ हर ऑर्गन में सूटेबल हो जाए, हर मेरिडियन में बह सकती है, हर ऑर्गन के प्रकार की ची इसमें मिल जाएगी, ऐसी वैरायटी ऑफ वेवलेंथ है। इन सारी वैरायटीज को चाइनीज विद्वानों ने ध्यान से देखा और इसमें इंडियन फिलोसफी भी इन्वॉल्व है। आठ क्यों है? आठ प्रकार की रखी, बहुत सी बातें हैं जो आठ में है। सो अभी हम उस बात में नहीं जाएंगे, लेकिन अपने भारतीय ज्ञान, भारतीय दर्शन भी कहता है कि आठ, और चाइनीज ने भी देखा कि ये आठ कैटेगरीज में बांट दी गई है। सबसे यिन से लेकर सबसे यांग प्रकार की ची, ये आठ प्रकार की। अब ये जो सबसे यिन प्रकार की ची है, कोई एक ही वेव नहीं है, इसकी बहुत सी वेव होगी इसके आसपास आजू बाजू, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो सबसे मोस्ट यिन, मोस्ट यिन मान लो कि ये यहां पर है, मान लो आप ये वाली वैरायटी, इस तरह की वेवलेंथ कहां है? यहां है। उसी प्रकार इस प्रकार वाली वेवलेंथ वो कहीं और होगी। ये यहां है। फिर और कौन सी वैरायटी की है? ये वाली वैरायटी, मान लो ये वाली वैरायटी यहां है, और मान लो एक और वैरायटी है, यहां है। ये वाली वैरायटी, ये वाली वैरायटी, ये वाली वैरायटी और ये वाली वैरायटी, ये वाली वैरायटी एक जगह है, ये वाली एक जगह है, ये वाली एक जगह। तो इस चार तो यिन प्रकार की है नहीं, जिसमें वाटर किडनी का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो वाली कैसी होगी? ठंडी होगी, यिन प्रकार की चीज होगी। और जिसमें कंट्रीब्यूशन जो इस फायर किडनी ने बनाया है, ट्रांसफॉर्म किया है, वो थोड़ी गर्म होगी, हल्की होगी, नहीं नॉन सब्सटेंशियल। तो यहाँ पे क्या होगा? जो बाकी के चार वेसल हैं, जो चार बाकी के कैटेगरीज हैं, वो यहाँ। ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर? हाँ सर बोलिए जी। ये मुझे पूछना था कि जैसे वो वाटर वैरायटी की ची किडनी ने जनरेट करी, वाटर किडनी ने, मतलब जो हमने ब्लैक से शो करा है, उसमें फायर वैरायटी यांग का भी कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि ये जो बनी है ये पूरी मिक्स हो गई है। बहुत 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 विचित्र अपना जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसा है कि किसी भी एक्सीजेंसी, किसी भी इमरजेंसी को बिल्कुल फेस कर सकता है, ऐसा मैकेनिज्म बना है। इसको धीरे धीरे आप समझते चलेंगे, आप देखेंगे। हम आपको बता रहे हैं क्या होता है। देखिए, जो दो किडनी है वो कैसी है, हमने आपको बताया था, आपको शायद याद हो। दो किडनी कैसी है? जैसे गैस की स्टोव पहले आती थी, दो बर्नर वाली, याद है आपको डॉक्टर शिखा? हाँ जी सर, हाँ जी। तो ये समझ लो दो स्टोव है, एक छोटा स्टोव, एक बड़ा स्टोव।
याद है ये हमने आपको बताया था, आप तो थे ना लेवल वन लेवल टू हर जगह आप थे। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ, तो बताया तो था। हाँ जी है ना, तो दो स्टोव है, अगर मान लो एक स्टोव नहीं बड़ा वाला स्टोव काम न करे तो छोटे वाले में हम दूध को उबाल सकते हैं कि नहीं? हाँ जी। टाइम ज्यादा लगेगा, नहीं काम थोड़ा धीरे होगा और दूसरे प्रकार से होगा। लेकिन जब दोनों है तो हम दोनों को यूटिलाइज करेंगे, जब अगर दोनों किडनी हमारे पास है तो वी विल यूटिलाइज इट लाइक दैट। किसी को धीमी आंच में करना है तो छोटे बर्नर पे, बड़ी आंच पे करना है तो बड़े बर्नर पे। जैसे क्रूड पेट्रोलियम आता है तो क्रूड पेट्रोलियम जब आता है तो उसको हम कहां भेजते हैं, उसको क्या कहते हैं, कौन सा कॉलम कहते हैं, डिस्टिलेटरी डिस्टिलेशन कॉलम्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जिसमें फ्रैक्शंस बनते हैं ना क्रूड पेट्रोलियम के, नहीं हायर फ्रैक्शंस, पेट्रोल भी निकलता है, गैसोलीन भी निकलता है, कुछ गैसेस भी निकलती हैं, और नीचे बिल्कुल देखो एकदम लास्ट में तो बिटुमिन भी बच जाता है, बिटुमिन बिल्कुल मूव नहीं करता, बिल्कुल तारकोल रहता है ना, बिल्कुल गाढ़ा तारकोल, और उसी में से आपको पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, केरोसिन भी निकलता है, उसी उसी पेट्रोलियम से निकलता है ना, क्रूड पेट्रोलियम से। समझ में आ रही कि नहीं बात? हाँ जी, हाँ जी। तरह जो एसेंस है वो क्रूड है, क्रूड पेट्रोलियम है एसेंस वो, और ये दो कॉलम है डिस्टिलेशन कॉलम, इन दोनों कॉलम में इसकी फ्रैक्शनेशन होती है। अब हमारे पास मान लो एक ही कॉलम है तो हम उसको टेम्परेचर को घटा बढ़ा के किसी तरह करेंगे, लेकिन इतनी एफिशिएंटली काम नहीं होगा। जो दो कॉलम से काम हो रहा है वो एक ही कॉलम से काम करे तो दिक्कत तो होगी, लेकिन एक कॉलम में भी जो टॉप में निकलेगा वो हल्का होगा, पेट्रोल होगा, हो सकता है कि गैसेस उतनी रिफाइंड ना बन पाए, नहीं क्योंकि अगर केवल वाटर किडनी है आपके पास, एक किडनी निकल गई तो क्या होगा, बिल्कुल जो फाइन बहुत यांग है नहीं वो शायद ना बन पाए, लेकिन सफिशियंटली यांग बनेगा जिससे कि आपकी बॉडी और माइंड काम कर सके। इसी तरह फायर किडनी है, अगर ये नहीं है केवल फायर किडनी तो उसमें भी यिन बनेगा, लेकिन उतना यिन नहीं बनेगा जितना वाटर किडनी बना सकती थी, लेकिन काम चलेगा, दैट्स ऑल। नहीं ये एक दूसरे को के पूरक के जैसे भी काम करेंगे, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। नहीं तो अब आपको हमने ये बता दिया कि जो यूटिलाइज नहीं हुई कहां, ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म में, वो कहां चली गई, आठ प्रकार के कैटेगरीज में बांटी गई, पूरी जो हंड्रेड सैकड़ों जो प्रकार की ओरिजिनल ची के वेवलेंथ बने उनको हम आठ कैटेगरीज में बांट करके आठ प्रकार की वेसल में रखा गया। ऐसी मैकेनिज्म हमारे शरीर में है, इन आठ स्टोरेजेस को, इन आठ एक्युमुलेशन टैंक्स को हम क्या कहते हैं, एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स या स्ट्रेंज कंड्यूट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब नाम है। सात छत्तीस हो गया है, विशाखा को जाना होगा, दूसरी क्लास होगी मेरे ख्याल से, राइट? तो अभी हम आपको यहां छोड़ेंगे, इसकी एक आप ले लीजिए शॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डॉक्टर सुमन ले लिया। हाँ, और अब आ जाइए, जो थोड़ा सा छोटा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर डाइवर्जेंट चैनल का क्या फंक्शन होता है? अब डाइवर्जेंट चैनल तो बता नहीं रहे हैं, आपको पढ़ना है तो हम लोग वो भी करेंगे। वी कैन डू ए क्लास ऑन 71 टाइप्स ऑफ मेरिडियंस, कितने लोग इंटरेस्टेड है अभी ये पढ़ने के लिए, तो कितने लोगों को कोक्स करना पड़ा है। कभी आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल की इस तरह सुनी थी कहानी जो हमने आज आपको बताई? सर थोड़ा एक आध महीने का टाइम दो ना तो फिर बाकी करेंगे। इसमें थोड़ा पढ़ाई को टाइम तो दो, तो एक साल बम्बर ही करेंगे, कैसे दिमाग में आएगा, सब डिलीट होते जाता है। रुखसार, मैं जो कहता हूं इसको अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ये कभी नहीं भूलोगे, जो चीज अच्छी लगती है या जो चीज बहुत बुरी लगती है ये कभी नहीं भूलती, मालूम है क्यों रुखसार? इसलिए क्योंकि ये दिल में चली जाती है, जो चीज दिल में जाती है, मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी किसका काम है? हार्ट का काम है।
अगर पुरानी बातें ही केवल आ रही हैं, नई बातें नहीं आ रही, इसमें मतलब हम जिंदा हैं केवल दिल के सहारे। शॉर्ट टर्म मेमोरी किसके पास है मंत्री जी? यू नो दैट शॉर्ट टर्म मेमोरी कहाँ है? देखो, आप जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं उसको एनालाइज करना किसका काम है? ध्यान रख लो, ये सब चीजें काम आएंगी। स्प्लीन का काम है। किसका काम है? स्प्लीन का काम है। अवेयरनेस किसका काम है? स्प्लीन का काम है। वॉच करना किसका काम है? स्प्लीन का काम है। एनालाइज करना किसका काम है? स्प्लीन का काम है। ज्यादा एनालाइज करते रहे, इसी को कहते हैं वरी, एंग्जाइटी कहते हैं, पेंसिवनेस कहते हैं, ये सब स्प्लीन के पास है। और जो एनालाइज करके थोड़ा अच्छा लगा या थोड़ा बुरा लगा, नहीं ये बात चलो मिश्रा जी कह रहे हैं ये ठीक लग रहा है, तो वो कहां जाएगी? शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब थोड़े दिनों तक याद रहेगी। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी किसके पास है? वो स्क्रीन किसको दे देती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी किसका काम है? किडनीज का काम है। शॉर्ट टर्म मेमोरी किसका काम है? किडनीज का काम है। और जो किडनी से भी ज्यादा बहुत अच्छा दिल को चुभ गई या दिल को लग गई, ऐसा दिल से प्यार हो जाए या दिल से घृणा हो जाए, दुश्मनी हो जाए या दोस्ती हो जाए, वो कहां जाएगी? वो हार्ट का काम है। नहीं चलो, अभी अगर कुछ पूछना है तो पूछो, कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, हम भी बैठे रहे, आप भी बैठे रहे, काम बात तो बहुत हो सकती है ना? अभी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो अच्छा वो ऑलरेडी विशाखा ऑलरेडी चली गई, देखो उसको काम था 4:30, 6:30, 7:00। सर मैंने 2 फॉर्मूले बना के भेजे थे सर, वो आपने बताएंगे? हाँ वो कुछ करेक्शन उसमें होने चाहिए, पूरे ठीक नहीं है, कुछ ठीक भी है कुछ नहीं भी ठीक है। तो आज की बंद करें क्लास? Yes. ओके ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, कल हम मिलते हैं, कितने बजे मिलेंगे? 6:15 मिलेंगे, 6 बजे मिलेंगे, हैं? 6 बजे मंत्री, 6 बजे, 6 बजे डॉक्टर सुमन, 6 बजे मिलिए ताकि 7:30 तक आराम से हो सके सारा काम। हाँ सर, 6 बजे कर दीजिए। क्या हुआ सर? 6:15 कर दीजिए, एक्चुअली पेशेंट सोते हैं ना इवनिंग में। कितने बजे कर दें? 6:15। अच्छा चलो 6:15 रखो, 6 और 6:30 के बीच में 6:15, हम लोग 6:15 में मिलते हैं कल।